और खाना बनाने के लिए देख सकते हैं बर्तन वर्तन पूरा नया नया है, ये देख सकते हैं। और ये देखिए सब कुछ धोधा के अभी रेडी कर दिए पूरा, देखिए पानी हो गया पूरा धोधा के रेडी कर दिए। A few moments later. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज मैं बहुत बड़ा खुशखबरी आप लोग को सुनाने वाला हूँ और दिखाने वाला भी हूँ। तो अभी मैं फिलहाल हूँ गोरेगांव वेस्ट में और यहाँ पे मैं लिया हूँ एक रूम और सिंगल लिया हूँ मैं अकेला खुद, मतलब मैं अकेला लिया हूँ सिंगल और काफ़ी अच्छा रूम है तो आप लोग को मैं दिखाऊँगा। और बाजू में भी एक रूम खाली है वो भी दिखाऊँगा। अगर आप लोग भी यहाँ पर आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, रूम लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ, फिलहाल मैं बाहर का नज़ारा कुछ दिखाऊंगा। मैं अभी मैं फिलहाल रूम पे हूँ, ये रूम है मेरा, अंदर से बंद है, मैं खोल के दिखाऊंगा कैसा रूम है और लेटरिन बाथरूम सब है और काफ़ी कम बजट में है। तो चलिए मैं सब दिखाता हूँ, फिलहाल मैं बाहर का भी नज़ारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है बाहर का नज़ारा, देख सकते हैं कितना मस्त ब्यूटीफुल यहाँ। और ये है हमारा टेरिस्ट, देख सकते हैं इतना, मतलब यहाँ पर गलियारा जो बोलते हैं यहाँ पर है। और इधर से देख सकते हैं ये बाजू में एक रूम है और यहाँ मैं हूँ। और ये से देख सकते हैं कितना बेस्ट नज़ारा है, यहाँ से पूरा झोपड़पट्टी है, मतलब ये भी झोपड़पट्टी ही है लेकिन इसमें जो ये बिल्डिंग है वो काफ़ी अच्छा बिल्डिंग है। तो चलिए अंदर चलते हैं, ये रहा अपना घर। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ अपना रूम में और लगभग 4-5 दिन हो गया अभी इसमें मैं सामान ले लेके रख रहा था। देख सकते हैं ऊपर अपना बैग वगैरह रखा हूँ और नीचे भी बैग वैग है और घर का पूजा करने वाला हूँ आज ही के रात में, तो काफ़ी मतलब अच्छा रहेगा। और अकेला लिया हूँ, मेरे को इतना एक पंडित जी हैं हमारे दोस्त, वही पूजा करेंगे। और अपना ये रूम का नज़ारा देख सकते हैं, इधर मैं 2 तकिया नया खरीद के लाया और इधर भगवान जी का फोटो है, दुर्गा जी का देख सकते हैं, और मैं भगवान को काफ़ी ज़्यादा मानता हूँ। और ये देख सकते हैं अपना एक कपड़ा उपड़ा है टांगने के लिए, मैं हैंगर खरीद के लाया हूँ यहाँ पे, ठोकूंगा यहाँ पे। और इस बाजू में मैं कुछ अलग अपना सेटअप बनाने वाला हूँ वीडियो का, इसके लिए मैं इसको खाली रखूँगा और इधर कपड़ा रखने के लिए यहाँ पे हैंगर ठोकूंगा। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे बैग है हमारा और ये पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है और ये पानी उनी है, कपड़ा उपड़ा यहाँ पे धोने के लिए आज ही रखा हूँ मैं। और ये है अपना बाथरूम जिसको मैं बोला जाता है बर्तन वर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए। और ये देख सकते हैं जूता भी मैं धोने के लिए यहाँ पर रख दिया हूँ, पूरा काला हो गया था, ये सब यहाँ पर मैं ले रखा हूँ। और 4-5 दिन से मैं इसमें मतलब सामान में ले रख रहा था और ये सब जो है तो ऐसे फेंक दूंगा, और क्योंकि जो बर्तन मैं लाया था यहाँ पे तो सब नया नया लाया था तो मैं धो धो के और उसको यूज कर रहा था। और अभी मैं दिखाता हूँ क्या क्या मैं खरीदा हूँ, देख सकते हैं ये सब खरीदा हूँ। ये पूरा बर्तन है अपना, कुकर उकर सब पूरा सेट नया लिया भाई, ये गैस सिलेंडर ये सब देख सकते हैं, प्याज व्याज हर चीज़। और जो पुराने रूम पे मेरा था वो सब भी लाया यहाँ पे लेकिन ये सब नया लिया मैं, ये देख सकते हैं पूरा हर चीज़। पानी का भी है टंकी जो कि इस टंकी में 300 लीटर पानी रहता है और 20 लीटर ये है और इसके बाद में ऐसा बोतल 3 गो है जो कि 2 लीटर वाला है, तो उसमें हम लोग पानी उन्हें पीने के लिए रखते हैं। और यहाँ पे फिलहाल देख सकते हैं ये हो गया पंखा, नया पंखा लिया भाई, काफ़ी ज़्यादा बजट मतलब कि इस रूम में हमारा चला गया। डिपॉजिट कितना दिया हूँ वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, मैं डिपॉजिट इसमें दिया हूँ 15,000 रुपया, इसमें मैं डिपॉजिट दिया 15,000 रुपया। और उसके बाद में बर्तन वर्तन सब खरीद के लाने में लगभग हमारा 10,000
चला गया। तो मतलब 25,000 रुपया मेरा पूरा सूखा सूखी रूम लेने में बजट ख़त्म हो गया। और ये है अपना खूबसूरत सा रूम, देख सकते हैं करकट वाला ही है लेकिन बहुत बेस्ट है, मस्त ठंडा लगता है भाई। कितना भी इतना भी धूप है ना, देख सकते हैं बाहर मुंबई में कितना ज़्यादा धूप है, पूरा धूप है लेकिन हमारे रूम में पूरा ठंडा मस्त हवा इधर से आ रहा है। और यहीं पे हम ज़्यादा बैठते हैं, यहाँ पे बैठ उठ के अपना टाइम पास करते हैं, उतना टाइम पास करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है तो बस कभी कभी रात में आते हैं तो इधर बैठ उठ के थोड़ा टाइम पास कीजिए। सुबह नींद खुलता है देखते हैं तो क्या नज़ारा दिखता है इधर का, और रात में सब में पूरा लाइट गजब जलता है, तो अभी रात का भी इंतज़ार कीजिए। तो दोस्तों इस रूम का भाड़ा है मात्र 5,500 रुपया और इसका डिपॉजिट है 15,000 रुपया और उसके बाद में इसका जो बाथरूम लेट्रिन है, लेट्रिन बाथरूम वो नीचे है, ये जो आपको मैं बाजू में दिखाया हूँ ये वाला, इसमें सिर्फ नहाने वहाने का, बर्तन वर्तन धोने का है बस, यही सिस्टम है। और जो लेट्रिन है एक सीढ़ी नीचे उतर के जाइएगा तो वहाँ पे आपको लेट्रिन मिलेगा, पर्सनल लेट्रिन है तो काफ़ी अच्छा रूम है। और आप लोग भी अगर आना चाहेंगे तो मुंबई में तो इस तरह का रूम मिल जाएगा आप लोग को, बस बजट यही रहेगा आप लोग समझ जाइए, ज़्यादा बजट नहीं रहेगा, 5,500-6,000 रुपया रूम भाड़ा रहता है लेट्रिन बाथरूम वाला का। और बजट आपका ज़्यादा बढ़ेगा तो सिर्फ डिपॉजिट में, और डिपॉजिट यह मेरा कम लगने का एक ही कारण है कि मेरा दोस्त यहीं पे बाजू में रहता है तो वही कुछ मेरे को हेल्प किया जिसके कारण हमको 15,000 डिपॉजिट देना पड़ा, नहीं तो 20,000 यहाँ पर देना था, तो काफ़ी अच्छा है। चलिए मिलते हैं।